Partners. आप लोग बस घूरते ही रहोगे या कुछ पूछोगे भी? नहीं, पूछेंगे भी ना। वैसे ये बताइए कि ये ऐसा कमाल का टनाटन फिगर आपने मेंटेन कैसे कर रखा है? मैं ये सब पूछने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं केस से रिलेटेड बातें करने के लिए कह रही हूँ। ये आपकी जुड़वा बहन है? मेरी तरह दिखती है? हाँ काफी। तो मैं ये भी हो सकती हूँ? नहीं, अपने घर में खुद की फोटो तो कोई पागल ही लगाएगा। ये तुम्हारा पार्टनर है? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जी हाँ। आई रियली पिटी यू। वैसे आप ही अभी जो क्या कर क्या रही थी आप? योगा। योगा तो मैं रोज करती हूँ। नाइस। मुझे बड़ा बोरिंग लगता है। नहीं, मतलब करना बड़ा बोरिंग लगता है, देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अरे शिल्पा शेट्टी उतना योगा करती नहीं है जितना मैं देख लेता हूँ। Well, मैं योगा एंजॉयमेंट के लिए करती हूँ। मैं जहाँ कहीं पे भी होती हूँ ना, 1 hour daily yoga is a must, darling. Same है हिसाब किताब यहाँ पर भी। ये भी योगा करता है लेकिन आपसे ज्यादा करता है। Impossible. देखिए आप शरीर से योगा करती हैं, ये मुंह से योगा करता है। ये दिन में कम से कम 10-15 बार योगा करता है। खाना मंगाता है, जैसे ही खाना सामने आता है कहता है यो, उसे खा लेता है गा। ऐसे दिन में 12-15 बार योगा करता है, तभी तो इतना फिट है ये। so funny. लेकिन सीरियसली तुम्हें योगा करना चाहिए, वजन थोड़ा कम हो जाएगा। अरे योगा से इनका क्या होगा, इतने बड़े समुद्र में से अगर एक लोटा पानी निकाल भी दो तो समुद्र को क्या होगा। ये बेकार की बातें करते रहते, मैं योगा किया करता था। I was a champion. सर्टिफिकेट है मेरे पास, इसे तो बेहतर ही कर लूंगा मैं। मुझसे बेहतर? Of course. एक काम कीजिए ना कियारा जी, इस योगा चैंपियन को कोई आसान सा आसन दे दीजिए, जो ये मुझसे बेहतर करके दिखाएंगे तो मान जाएंगे। Yeah, of course. Definitely. Okay. आपने दोनों हाथ ऊपर कीजिए। ओके, एक पैर उठाओ। वाओ। अब शीघ्र ही दूसरा पैर उठाओ। ओके। आई एम रियली सॉरी, वेरी सॉरी। अभी प्राणायाम से शुरू करते, इट्स इजी। वेरी वेरी गुड। हाँ, प्राणायाम माय फेवरेट। अच्छा, जस्ट फॉलो मी। जी। एक लंबी सांस अंदर लीजिए और अब छोड़िए। जहां से सांस ली थी वहां से छोड़ने को कहा था, रास्ता बदलने को नहीं कहा था। आप नीचे मैट पे बैठिए। बैठ के करते हैं, मैंने देखा है योगा बैठ के किया जाता है, ऐसे थोड़ी खड़े होकर। मैं बैठ जाता हूं। ये हाँ हाँ, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। अपने पैरों को सामने कीजिए, सीधा। यस, मैट फिनिश आ गया इनके चेहरे पर। हाँ, अब अपने दोनों हाथों को ऊपर कीजिए और अपने टोज को टच कीजिए। ये तो इजी है, हो जाएगा। Come on. जाने दीजिए, इनका पेट इनके हाथों से पहले टोस्ट को टच कर लेगा। Really? He's unbelievable. What? अरे, what the devil is going on? तुम दोनों का हो गया है? तो हम कुछ काम की बात कर सकते हैं? Of course. अब ये कहाँ जा रहे हैं? पुलिस डिपार्टमेंट तो वहाँ है, पूरा डिपार्टमेंट ड्यूटी छोड़कर सब कुछ कर रहा है। इनसे अच्छे तो हम लोग हैं, अपना काम कितनी मेहनत और शिद्दत से करते हैं। क्या होगा इस देश का? बार बार बोल की सर, पता नहीं चल रहा है क्या खराब हो गया है।
दादा आज का तो दिन ही खराब है साला हमारा एक तो पेड़ का साला खुजू बाबा रे साहब जी पूरा वर्ल्ड घूमिया थार जैसा ना कोई साहब जी क्या फर्ज निभा रहे हो आप टांग टूटी हुई है फिर भी डूटे निभा रहे हो साहब जी मैं आपकी टूटी हुई पांव छूना चाहता हूँ अरे देखे एक काम करो ये उठाओ साहब जी ओ साहब जी क्या कर रहे हो अरे खुद ही अरे मत करो मेरे दोस्त को भी सेम प्रॉब्लम थी मैंने कांडी घुसा दी अंदर ही टूट गई आपको पता है क्या हुआ क्या हुआ इन्फेक्शन हो गया पूरा जहर फैल गया टांग काटनी पड़ी तब जाके ठीक हुआ अरे बाबरी बाबरी साहब जी मैं आपके लिए कुछ करूंगा आप इतना देश के लिए करते मैं कुछ करता हूँ आपके लिए करो 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 साहब जी ये देखो ये चाबी इससे मैं आपको खुजाऊंगा देगा अच्छा लगेगा आपको ये टूटेगी भी नहीं करो 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 ओ ये है मजा आ रहा है साहब जी खूब भलो ए या ओ चाबी का जो आगे का वो है ना उससे करो करो आओ साहब जी हां साहब ये अंदर से लेके साहब जी कुछ करो साहब जी कैसे निकालो साहब जी साहब जी हम मेरे साहबी अगर नहीं निकली घर कैसे जाऊंगा घर में बंद करके आया हूँ साहब जी कैसे जाऊंगा मैं अरे की मेरे घर से दूसरा चाबी बना लो साहब जी ये दूसरी चाबी थी प्लीज आइए बैठिए बना ली जगह आर यू ऑल ओके यू नो इट्स रियली शॉकिंग तुम दोनों के डीजीपी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरा ब्रेसलेट कल 7 बजे तक मुझे मिलने वाला है और तुम दोनों कल्प्रिट्स को ढूंढने के बजाय यहाँ पे मेरे साथ योगा कर रहे थे देखिए क्यारा जी कुछ सवाल आए हम मैं बात कर रहा हूँ क्यारा जी क्रिमिनल जब क्राइम करता है तो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है अपने भेजे पे जोर डालिए और याद कीजिए आखिरी बार आपने अपने ब्रेसलेट को कब देखा था ये मैं ऑलरेडी 10 बार बोल चुकी हूँ 5 बार फाइन मैं डीजीपी के साथ फोन पे बात कर रही थी उसके बाद मैं अपना ब्रेसलेट मेरे अलमारी में रखा था और पब्लिशर के साथ मेरी एक मीटिंग थी तो मैं वहां पे चली गई फिर मैं मीटिंग से वापस आई कबर्ड खोला तो देखा कि मेरा ब्रेसलेट वहां पे नहीं है फिर क्या उसके बाद मैंने डीजीपी से वापस बात की इस पूरी बात में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है क्या डीजीपी सर ब्रेसलेट गायब होने से पहले आप डीजीपी से फोन पे बात कर रही थी ब्रेसलेट गायब होने के बाद भी आप डीजीपी से फोन पे बात कर रही थी आपको किसी पर हल्का हल्का शक हो रहा है जी नहीं एक सेकेंड मानव टक्कर है तेरे कहने का मतलब है कि डीजीपी सर ने चोरी की है केस को यहाँ से वहां भटका मत मुझे फोकस करने दे जी किसी पे शक हो रहा है आपको जी नहीं मुझे किसी पे भी शक नहीं है करना भी नहीं चाहिए आप शक मत कीजिए आप जितनी खूबसूरत है ना आप तो अफेयर कीजिए हेलो हाँ कान पे रख ओ लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी दूध में बतासा मुनि करे तमाशा चा चा पागल है सा हो गई मुनि हो गई साबी 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 चुप रहा तुमको बोलना है देखो भलाई का जमाना ही नहीं रहा मैंने अपनी चाबी से इनकी खुजली मिटाई अब ये मेरी चाबी नहीं लौटा रहे चाबी दे दो साहब जी क्यों तंग कर रहे इस गरीब आदमी को ये जरा तमीज से बात करो तुम
गरीब को गरीब कहने में कैसी बदतमीजी? अरे मैं उसकी नहीं, मैं कमिश्नर साहब की बात कर रहा हूँ। कमिश्नर साहब से जरा तमीज से बात करो। अरे कमिश्नर होगा अपने घर का, यहाँ जनता का राज चलता है, मुंबई है मुंबई। ये पगला, ये किसी के घर का नहीं, मुंबई का ही कमिश्नर है। वो कहीं के भी हो, चाबी क्यों नहीं लौटा देते उनकी? अरे कैसा लौटाएगा, प्लास्टर कौन पे डाला है चाबी ने? इस प्लास्टर के अंदर चाबी? मैं अपनी बीमार माँ को घर में बंद करके आया हूँ, अब कैसे जाऊँ मैं घर पे? ये माँ बीमार थी ना, तो बंद क्यों किया बाहर से? क्या बीमार माँ भाग जाती क्या? देखो कैसी बात कर रहा है भाई साहब, सेफ्टी के लिए माँ बीमार है, मेरा इंतजार कर रही होगी कि बेटा अब आएगा और कहेगा माँ माँ मैं तेरे लिए दवाई लाया हूँ माँ। कमिश्नर साहब, आप किसी भी तरह इस गरीब की चाबी लौटा दीजिए, वरना हम आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। ए, क्या पुलिस में कंप्लेंट करेगा, ये खाकी वर्दी देके तेरे को पोस्टमैन लगता है पुलिसमैन? और देखो वैसे भी चाबी निकालने के लिए कमिश्नर साहब का ये प्लास्टर है ना, वो काटना पड़ेगा। अरे तो काट दीजिए। नहीं नहीं मत काटो, मेरे पास एक प्लान है, मैंने टीवी में देखा है, उसमें भी सेम सिचुएशन हुई थी। अच्छा अच्छा, अरे बच्चा कैसे निकला? उस आदमी को उल्टा करके। हम उल्टा बुल्टा नहीं हुए बाबा, एक बार हम उल्टा हो गया था, अरे बाबा रे हमारा पेट के अंदर का पाथड़ी मुंह से बाहर निकला। साहब जी पथरी निकल गई, फायदा हुआ ना, अब की बार भी पलटी हो जाओ फायदा ही होगा माँ कसम। तुम्हारा माँ का तबीयत ठीक हो जाएगा ना, एक बार मेरे को मिला दो। साहब जी जल्दी कीजिए, मैं ब्रेसलेट हो रहा हूँ। क्या? नहीं बहस मत करो, मैं लेट हो रहा हूँ। चलो चलो साहब को उल्टा करो, चलो चलो आ जाओ। चलो ये लीजिए चाबी अपनी। ये बच्चा, ये आइडिया टीवी पर कौन सा सीरियल में आता है रे? कार्टून में। बच्चे लोग देखो, एक ने टांग पड़वाया, एक उल्टा करवाया। चाबी मिल गया ना बाबा, अभी जाओ। चलो चलो अपना काम करो, चलो निकलो निकलो, चलो चलो चलो, चलो जल्दी निकलो, सबको उल्टा कर दूंगा मैं। चलो सर सर सर, हाँ तो आपके साथ है सर, हमारी बेस्ट विशेष। लंबे हाथ वाले कानून की टांग जल्दी से ठीक हो जाए, हमारा भी आशीर्वाद आपके साथ है साहब। लिखो लिखो लिखो, फॉर मसाज कॉन्टेक्ट अमर मसाज वाला। लिखो 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 लिखो, दो बच्चे अच्छे होते हैं, दो बच्चे होते अच्छे, मर्दाना के इलाज के लिए हमको संपर्क करो। सब लिखो, ये मेरा पेड़ है या गली का दीवार? बात करता है, बस एक बार मानो आदि कियारा से क्लू लेकर आना मांगता है। दादा हाँ, मेरे को भी आपके प्लास्टर पे कुछ लिखना है। प्लास्टर पे मत लिख, मेरा माथा का पंडित बोका पाटा। बोका पाटा का मतलब मालूम है? मालूम है ना? क्या? उल्लू का पट्टा। तू है ठीक करो, करते दादा पागल। तुम्हारे डीजीपी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि कल 7 बजे तक मुझे अपना कीमती ब्रेसलेट मिलने वाला है, लेकिन जिस तरह से तुम दोनों इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, 7 बजे क्या 7 साल में भी मुझे वो ब्रेसलेट नहीं मिलने वाला है। नहीं नहीं कियारा जी, आपको ब्रेसलेट जरूर मिलेगा, हमने एक्चुअली सीसीटीवी फुटेज देख ली है और उसके हिसाब से किसी आसपास वाले का काम नहीं है, ये काम किसी प्रोफेशनल आदमी का है। आई डोंट केयर, सीसीटीवी चेक करो कुछ भी चेक करो, लेकिन कल शाम मैं तुम्हारे डीजीपी का रेजिग्नेशन जरूर लेने आ रही हूँ। आइए आइए, मैं खुद टाइप करके दूंगा आपको रेजिग्नेशन। अगर सर गए ना तो तेरा क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूँ कि आपको आपका ब्रेसलेट कल शाम तक मिल जाएगा। आई होप सो, आई एम श्योर अबाउट इट। थैंक यू फॉर टाइम, हम चलते हैं। हाँ प्लीज। ओह नो नॉट अगेन, अरे सुनो इन्हें लेके जाइए, मेरा सोफा टूटेगा। उठ जा। ओह गॉड, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। दिस इज सो पैथेटिक।
मेरा कीमती फर्नीचर। उस्मान, कल का जाने का जुगाड़ नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन हो सकता है क्या? मुश्किल है भाई, बड़ी ले दे के जुगाड़ हुआ है कल का। इस डेट को हिलाया ना तो 2 महीने तक इंडिया से निकल नहीं पाएगा तुम, और पैसे जाएगा वो अलग। तो और कोई रास्ता नहीं है क्या जाने का? एक काम करो, तैर के निकल जाओ तुम भाई। पागल हो गया क्या? फोन रख। ये कमिश्नर का प्लास्टर काटना पड़े या टांग, ब्रेसलेट तो मैं निकाल कर ही रहूंगा। कैसे कैसे कैसे? Yes, darling. Champa. दादा पानी। अरे संग कीरे, आपने गलत गोली ले लिया। एक्सपायरी डेट कहा है? ना ना, ये तो सिरदर्द का गोली है। तो उसके लिए तो लिया, लेकिन आपका तो पैर में दर्द है ना। अरे पैर का दर्द सर तो आया गया रे। ऊपर से डीजीपी साहब कल शाम को 7 बजे का टाइम दिया है, और ये दोनों का अभी तक पता नहीं है। ये लोग ब्रेसलेट से ज्यादा दोनों बिजी हो गया है, गायब। और वो चोर को सलाह किया नहीं मिली ब्रेसलेट के लिए। ब्रेसलेट का चोर को मैं बददुआ देता हूँ, सारा टिकट लेके सलमान खान का पिक्चर देखने जाएगा, और पिक्चर के अंदर सलमान खान नहीं होगा, जाहिद खान होगा, कमल खान होगा, वो उल्टा सीधा खान होगा। दादा दादा एक काम कीजिए, आप 2 गोली नींद की खा लीजिए। हमको रेस्ट नहीं करना है रे बाबा। लेकिन हमको तो करना है ना। गंडगो ए, चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म चाय ले लो, इलायची अदरक गर्मा गर्म चाय। और साहेब साहेब चाय पीजिए साहेब, बहुत गर्मा गर्म चाय अच्छा है कि नहीं? साहेब आप भी चाय पीजिए। बढ़िया है ना, चीनी बहुत ज्यादा है। अरे साहेब दुनिया में चीनी लोग इतना ज्यादा है, चाय में कैसा कम करे बताओ। वैसे हम खानदानी चाय वाले हैं, हमारा एक चाय का ठेला जो है रेलवे स्टेशन के सामने है। हमारा सपना रहा कि पुलिस स्टेशन के सामने भी हमारा एक चाय का स्टॉल होना चाहिए, आज हमारा सपना पूरा हो गया है। भारतू तुम भी एक चाय पी लो। हाँ औरत का पीना बहुत जरूरी है, औरत ने जब ओके कर दिया किसी मर्द का हिम्मत ही नहीं है नो बोलने का। पीजिए मैडम। मुझे चाय नहीं पीनी, लेकिन कमिश्नर साहब के सर में बहुत दर्द है, उन्हीं चाय पिलाते, शायद उनका मूड ठीक हो जाए। अरे ये बढ़िया आइडिया है, कमिश्नर साहब पी लिए तो हमारा तो धंधा सेट समझ लो। चाय तो अच्छा है, लेकिन हमको लगता है हमने तुमको किधर तो देखा है। सर हमारा गांव में हमको घर वाले कहते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा जो है ऋतिक जैसा दिखता हूँ। आपने शायद जोधा अकबर या कृष्ण हमको देखा होगा, लेकिन हम नहीं है, हमारा जैसा दिखने वाला ऋतिक है। आप हमारा तारीफ छोड़िए, अब चाय पीजिए, आपका सर दर्द निकल जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन हमको क्यों लगता है कि हमने तुमको किधर देखा है? कही तुम वो तो नहीं जिसने मेरे को उल्टा कर दिया था? कही ये मुझे पहचान तो नहीं गया? चमन कुछ कर। अरे सर वो तो बच्चा था। ठीक बोला ठीक बोला, वो तुम नहीं आए, फिर तुम कौन है रे? अरे कहीं तुम वो तो नहीं जो हॉस्पिटल में था? अरे सर हॉस्पिटल में मैं नहीं, वो तो वार्ड बॉय था। एकदम ठीक बोला रे, तुम वो भी नहीं है, तुम कौन है? मेरे साथ क्या क्या हुआ तू सब जानता है, तुम कौन है मैं क्यों नहीं जानता है? सर चाय वाला है, ठीक से जान लीजिए, आप समझ रहे हैं ना सर? वो तो ठीक है, पर तुमको मैंने कहीं देखा है रे। किधर देखा है हम तुमको? तुम वो चोर तो नहीं आए?
अरे साहब कैसा बात कर रहे हैं आप, हमारा शक्ल को देखिए, आपको हम चोर लगते हैं? हम तो इतना शरीफ आदमी हूँ कि मलिका शरीफत का फिल्म में जो है आँख में गमछा रख के देखता हूँ। हम तो इतना गरीब आदमी हूँ साहब कि हमारा घर में जो कार है दो पहिया का है। अबे उसको स्कूटर बोलते हैं। अरे बाप रे, हमको उल्लू बना है साहब। देखो कार बोल के स्कूटर बेच दिया हमको। इससे ज्यादा शरीफ और भोला आदमी आपको कहीं मिलेगा? ए साहब और चाय पीजिए ना। सर में दर्द है, डालो डालो। ए ये क्या चाय गिरा दिया? पूरा प्लास्टर खराब हो गया। सर अब ये प्लास्टर निकालना पड़ेगा और नया लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ मैडम सही कह रही है, और आपको खुजली भी तो हो रहा है। तुमको कैसा मालूम है हमको खुजली हो रहा है? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.